हम देखते हैं कि एक कुम्हार चाक पर गीली मिट्टी डालकर चाक को घुमाते हैं तथा उंगलियों या किसी अन्य टूल की सहायता से गीली मिट्टी को मनचाही आकृति में बदल देते हैं। जब हम धातुओं को ऐसा करते हैं तो हम लेथ मशीन का उपयोग करते हैं। लेथ मशीन लगभग वैसे ही काम करता है जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तनों को विभिन्न आकार देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्कपीस को रोटेट करते हुए कटिंग टूल से कैसे वर्कपीस के सरफेस से अतिरिक्त मटेरियल हटाकर मनचाही आकृति प्राप्त की जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लेथ मशीन पर छोटे से नट से लेकर बड़े बड़े समुद्री जहाजों के प्रोपेलर शाफ्ट तथा टरबाइन के शाफ्ट आदि भी बनाए जाते हैं। ये सारे लेथ मशीन पर बनाए गए कुछ वर्कपीसेस हैं। हम यह देख सकते हैं कि लेथ मशीन पर हम बेलनाकार, गोलाकार, शंक्वाकार और कुछ स्थिति में सपाट सतह भी मशीनिंग कर सकते हैं। लेथ मशीन पर इन सतहों को मशीनिंग करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस करनी होती है जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे फेसिंग, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग आदि। ये सारे ऑपरेशंस लेथ मशीन के विभिन्न पार्ट्स एवं उनके फंक्शंस की वजह से ही संभव हो पाया है। तो चलिए लेथ मशीन के प्रमुख पार्ट्स एवं उनके फंक्शंस को जानें। एक लेथ मशीन के प्रमुख पार्ट्स में इसके लेथ बेड, हेड स्टॉक, कैरियर, टेल स्टॉक, फीड मैकेनिज्म तथा थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म होते हैं। यदि हम विस्तार से जानें तो देखते हैं कि लेथ मशीन के सबसे नीचे के ये भाग लेथ लेग्स कहलाते हैं। इसके ऊपर रखा समूचा आकार लेथ बेड होता है जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेथ है। इसे ग्रे कास्ट आयरन द्वारा समूचा एक बार में ही ढाल कर बनाया जाता है। अब लेथ के जितने भी पार्ट्स आप जानेंगे वो लेथ बेड के ऊपर ही जुड़े रहेंगे। ध्यान देंगे कि लेथ के लेग्स एवं बेड के बीच में एक स्टील की चादर नुमा आकृति होती है जिसे हम लेथ ट्रे के नाम से जानते हैं। अनावश्यक चिल्म यहीं जमा होते हैं जिसे हम चिप्स कहते हैं। इस चिप्स को बाद में साफ करके अलग कर लिया जाता है। लेथ बेड के ऊपर बाईं तरफ हेड स्टॉक होता है। लेथ मशीन के सबसे महत्वपूर्ण भाग में से यह एक होता है। लेथ मशीन के हेड स्टॉक में ही स्पिंडल एवं वर्कपीस को घुमाने वाले ड्राइविंग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। ड्राइविंग इक्विपमेंट्स को फीड लेथ मशीन के पीछे लगी मोटर से मिलती है। हेड स्टॉक में वर्कपीस को बांधने के लिए एक चक लगी होती है जो लेथ के पार्ट्स नहीं होते जबकि लेथ के एक्सेसरीज होते हैं। लेथ के एक्सेसरीज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि चक को हेड स्टॉक में नट एवं बोल्ट की भांति ही बांधा जाता है। हेड स्टॉक में एक होल होता है या हेड स्टॉक के आर पर जाता है ताकि लंबा वर्कपीस को बांध सके। इसे हम लोग स्पिंडल कहते हैं। यदि दाई ओर नजर करें तो हमें यह भाग दिखता है, इसे हम टेल स्टॉक कहते हैं। एक टेल स्टॉक का बेसिक वर्क लेथ चक में बांधे गए लंबी वर्कपीस को सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ टूल्स को भी यह होल्ड करते हैं जैसे ड्रिल, रीमर आदि। टेल स्टॉक के इस हॉलो स्पिंडल को हम टेल स्टॉक स्पिंडल कहते हैं। लेथ मशीन का एक महत्वपूर्ण भाग इसका कैरेज होता है। कैरेज ही कटिंग टूल को कंट्रोल करता है तथा इसे सपोर्ट करता है। एक कैरेज के मेन 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है सैडल। यह एक्स शेप की कास्टिंग होती है जो बेड के ऊपर बने स्लाइड वेज के ऊपर स्लाइड करते हैं। सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड फिक्स होते हैं जो स्पिंडल की दिशा में परपेंडिकुलर आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। क्रॉस स्लाइड के ऊपर एक स्विवल बेस के साथ कंपाउंड रेस्ट या टॉप स्लाइड फिक्स होते हैं। ये स्विवल बेस द्वारा सेट किए गए एंगल के अकॉर्डिंग दाएं बाएं मूवमेंट करते हैं। टॉप स्लाइड के ऊपर एक टूल पोस्ट फिक्स होता है जहां मशीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स फिक्स करते हैं। आखिरी में है एप्रन जो कि सैडल के सामने ही नीचे की तरफ फिक्स होता है। इस एप्रन में ही कैरेज के मूवमेंट के लिए हैंड व्हील्स एवं गियर्स लगे होते हैं। ऑटोमेटिक फीड मैकेनिज्म के उद्देश्य से फीड शाफ्ट एवं थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म के लिए लीड स्क्रू लगे होते हैं जो कि कैरेज से जुड़े होते हैं। ये दोनों ही कार्बन स्टील के बने होते हैं तथा टम्बलर गियर के साथ हेड स्टॉक से फीड प्राप्त करते हैं। यह फीड लेथ चक के रोटेशन के अकॉर्डिंग एक फिक्स रेशियो में दिए जाते हैं जिसे हम लोग यहाँ लगे अलग अलग लीवर्स के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेथ के पार्ट्स एवं इनके फंक्शंस के अलावा लेथ की एसेसरीज भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बिल्कुल नए साइकिल में लगाए सीट की तरह होते हैं जो साइकिल खरीदते वक्त अन्य एसेसरीज के रूप में अलग से लगाए जाते हैं। लेथ के कुछ एसेसरीज इस प्रकार है: लेथ चक, फेस प्लेट, लेथ सेंटर, एंगल प्लेट, मैन ड्रिल, लेथ कैरियर, कैच प्लेट, स्टडी रेस्ट एंड फॉलोइंग लेथ। इसके अलावा लेथ के और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।